आप सीटी 2022 के स्टूडेंट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि नॉर्मलाइजेशन के दौरान आपका कितना स्कोर इंक्रीज होगा। जब सीटी 2022 का रिजल्ट आएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि हमें अपडेट मिल गया मनोज प्रतिम गोवान और जो यूजीसी के वाइस चांसलर है हमारे जगदीश जी उनकी तरफ से। लेकिन कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे, दिस इज व्हाट स्टूडेंट वर आस्किंग। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आपको बता देता हूं। देखो नॉर्मलाइजेशन के दौरान ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि अभी एट प्रेजेंट आपके 500 स्कोर बैठ रहा 800 में से तो वो 700 750 चला जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखो सीयूटी 2022 ऑल इंडिया एग्जाम ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है, तो कितने मार्क्स का ग्रेस मिलेगा बच्चों को, 5 मार्क्स 10 मार्क्स या 4 मार्क्स या 6 मार्क्स, तो ये देखने वाली बात होगी इस बार की कितने मार्क्स का ग्रेस बच्चों को मिलने वाला है। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, दिस इज व्हाट वी गॉट द अपडेट फ्रॉम द ऑफिशियल्स। और आपको पता होगा नॉर्मलाइजेशन कहां होता है, नॉर्मलाइजेशन वहां होता है कि अगर आपकी शिफ्ट कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, अगर हम दूसरी शिफ्ट से कंपेयर करें वो डिफिकल्ट है तभी आपकी शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन होगा अथवा नहीं। दिस इज व्हाट गाइस आई वांटेड टू टेल यू इन दिस वीडियो। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नया है तो यार सब्सक्राइब नहीं करते आप, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि टाइम टू टाइम डे अपडेट मैं लेकर आता रहता हूँ सीयूटी वाले बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच।